हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं इवनिंग के 5:30, और मैं वेट कर रही हूँ विशाल का, अभी तक वो आए नहीं है। और मुझे यहाँ पर मोटर भी चलाना था, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। सोचा मैंने इंट्रो शूट कर लेती हूँ। चलिए चलते हैं, थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लिया जाए। गाइस देखिए, ये भाई साहब ऑफिस से आते ही यहाँ से पिनपिनाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एसी में सोए थे और ये ऐसे ही ड्यूटी कर कर आ रहे हैं। ये देखिए, पूरा दिन निकल गया गर्मी में। हाँ, ये ऐसा एसी में सो के गेट नहीं खोल रहा है। हाँ, इसलिए इसका गुस्सा लेवल चलो टॉप है एकदम। और ये भाई साहब चल दी, दूध उध कुछ नहीं लिया, बस ऐसे ही चली गई, भाग गई। इनके लिए अभी भी कोरोना काल है, ये दूध की थैली को अभी भी धोते हैं। सो गाइस, ये बन चुका है हमारा शाम का नाश्ता, झाल मुड़ी। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसको एंजॉय करने। तो यार, शाम का समय हो चुका है और हम लोग, मम्मी भी आई है इस बार यहाँ और खा रही है स्नैक्स। स्नैक्स खाते खाते अनुपमा देख रही है, तो अनुपमा में भाई साहब, अनुपमा जो है दूसरी शादी करने वाली है। तो मेरी मम्मी कह रही है कि अनुपमा की बेटी भी शादी लायक हो गई है। तो मैंने कहा कि रुको, पूछता हूँ, ट्वीट करता हूँ, पूछता हूँ कि शादी लायक हो गई, उसका पहले शादी करो भाई। बोल रहे थे कि आधा केला खाएंगे और शॉर्ट्स बनाते बनाते पूरा केला भी खा गए और ककड़ी पे भी टूट पड़े हैं। तो ये होता है वीडियो का कमाल। छत पे, और ये देखिए, रील्स बनाने के लिए पेप्सी को कोको कोला में ट्रांसफर किया जा रहा है। हम सब है ये, तो वो जो भी। तो गाइस, हो चुका है रील्स, बन चुका है एक टू, 10 मिनट में एक रील बनता है। ये पेप्सी कोको कोला जो भी हो मिक्स रन पीने शुरू कर दिए हैं। इंतजार नहीं हो रहा था, लाया तो था पीने के लिए। सो गाइस, ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, आंधी है, बारिश जैसा भी मौसम था, तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर इंजॉय कर रहे थे। अब जाएंगे हम लोग मार्केट। सो गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं और पीछे विशाल लॉक कर रहे हैं घर को, और अब हम लोग निकलेंगे। तो विशाल आ रहे हैं। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं मार्केट, और मार्केट में कुछ ज़्यादा ही भीड़ दिख रहा था, जस्ट बिकॉज कि ईद के कारण, ईद आने वाला है और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका था। और मम्मी को लेना था स्लीपर, क्योंकि इस बार हमारे साथ मम्मी भी आई हैं, तो इनका बस स्लीपर था नहीं घर में पहनने के लिए, तो हम लोग वही ट्राई करवा रहे थे स्लीपर, और बस हम लोग का यही काम था। और हम लोग बस अब जा रहे हैं घर। तो मम्मी को ज़्यादा चलने की आदत तो है नहीं, तो वो थक गई थी, तो हम लोग ने यहाँ पे वो साइकिल वाला रिक्शा किया था घर जाने के लिए। तो मैं तो आगरा में फर्स्ट टाइम साइकिल वाला रिक्शा पर बैठी थी। गाइज, एज यूजुअल घर का मिस्त्री, आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी टाइप का भी वॉशिंग मशीन हो सब बनाते हैं। देखिए, ओए इंजीनियर, यूट्यूब इंजीनियर, देखिए देखिए, इधर किसी टाइप का भी कुछ भी बनवाना हो सब बनाते हैं। ये देखिए, एक्सपर्ट हैं ये सब, वीडियो देख देख के सब कुछ बना देते हैं। आप इंसान को भी बना देंगे कुछ दिन बाद। इन्होंने अपना 500 रुपये बना लिया है, अब 500 रुपया बचा लिया है। 5 रुपये का सिक्का अटक गया था, उसी कारण दिक्कत हो रही थी। चलिए, कोई सक्सेसफुल रहा गाइस। अब 5 रुपये मैं इनको गिफ्ट करती हूँ, इनका ये चार्ज है 5 रुपया, 5 रुपया ले लीजिए, आप रख लीजिए, गुर्राटे काटिए 5 रुपये लेकर। तो ये देखो गाइस, मुंह लटकाई हुई है, क्यों? क्योंकि चिकन खाए बहुत दिन हो गया है इसे। अरे मेरा तो कोई ज्यादा मन नहीं रहा था, मम्मी का भी मन नहीं है, लेकिन ये देखो, तो इनकी डिमांड पूरी की जाए, चलो आज का दिन गुजार लेंगे कैसे भी, थोड़ा बहुत खा के, तो इनकी डिमांड पूरी की जाए, चलता हूँ चिकन लाने। फिर अंदर रूम में अंगूर रखा हुआ है मेरे लिए, वो निधि भी जानती है और मेरी मम्मी भी जानती है, लेकिन निधि ने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि जाके अंगूर खा लीजिए, माँ तो माँ होती है। भाई साहब 4 आवाज़ लगा चुकी है तब से, तो मैं चलता हूँ अंगूर काटने, धर राटे काटते हुए। मेरे को तो पता ही है कि इसके बाद एसी वाले रूम में ही जाएंगे, और अंगूर भी उसी रूम में रखा हुआ है, ऐसे भी इन्हें कुछ याद नहीं रहता है। ऐसा कुछ ये हो गया, टसन में लड़ाई।
थोड़ा बुरा लगा है नूब को। आई एम हैप्पी, बहुत मन था, बहुत दिन हो गया था चिकन खाए, इसलिए मेरा बहुत मन था। और आपको हमारी छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और चिकन बनाने का क्या दिखाऊं, क्या ही दिखाऊं, बहुत सा बात दिखा चुकी हूँ।